आई थिंक जरगुना विल बी समी दैट विल बी अ प्लेजर टू वॉच इन देंस कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट खातून है और um, थोड़ा सा प्राइड भी मुझे बड़ा महसूस हुआ जरगुना प्ले करने में जब गीत और जूत समेत केतों में घुसने लगे तो ना आने वाली फसल में बरकत होगी और ना आने वाली नस्ल में संगमा शूट आ, जितना वो स्क्रिप्ट मज़ेदार है शूट भी उतनी ही मज़ेदार थी एक तो आ, जब भी आप शहर से बाहर निकलते हैं तो वो खुद ही अपने आप में एक और ख़ास तौर पर अगर लोग इस तरह के हों जैसे हम थे आपस में सब दोस्तियाँ हैं सबकी सब बहुत प्लेजेंट लोग हैं तो इट वाज वन बिग पिकनिक आ, लोकेशन इतनी हसीन हैं आ, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड ना रखना ज़्यादा बड़ा काम था कि <laughs> लोकेशन की वैसे कोई चैलेंजेस थे बिल्कुल थे सर्दी थी लाहौर इस्लामाबाद वाले शायद फिर भी ठीक रहेंगे कराची वाले की तो काफ़ी गिगी बंदी हुई थी क्योंकि इतनी ठंड की तो हमें आदत नहीं है आ, और फिर ज़ाहिर थोड़ी दूर दूर थे तो ट्रैवल भी करना पड़ता था सुबह उठ के आ, जिस गेस्ट हाउस में हम रहते थे वो अभी अभी शुरू हुआ था ताज़ा ताज़ा अभी uh, वो पूरा सा बना भी नहीं था उसे माय टीम के लिए कंप्लीट किया गया बल्कि माय टीम ने उसे कंप्लीट करवाया तो वहाँ सहूलियात का थोड़ा सा धीरे धीरे करके उनको समझ में आ रहा था अच्छा ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए तो वो भी अलोंग द वे हुआ उसका अपना एक मज़ा था आपके कैरेक्टर की बात करें तो अगर मैं लुक्स से स्टार्ट करूँगी जितना अनकन्वेंशनल कैरेक्टर है वो लुक से ही पता चल रहा होता है वॉर्ड्रॉब एंड इनफैक्ट जो शॉल यू आर वेयरिंग इनिशियल एपिसोड्स में सोशल मीडिया पे उस पर भी बात हो रही थी उसकी एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है तो वॉट उसके बारे में आप क्या हमें इस वक्त बता सकते हैं वो शॉल तो लिखी हुई है आ, उसमें कि वो पहनती है और उसकी सिग्निफिकेंस है आ, जो मैं भी आपको नहीं बता सकती आ, लेकिन आ, उसके किरदार के साथ आ, उसकी सिग्निफिकेंस है एक जो आपको लेटर एपिसोड्स में पता चलेगी सो <laughs> so, उसका जो एक डिमीनर है एंड देन लोग भी कमेंट कर रहे होते हैं कि यू नो हॉर्स राइडिंग और इस तरह की चीज़ें जो खुतिन से एसोशिएट नहीं की जाती नॉर्मली तो so, जब आप इसकी शूट कर रही थी तो हॉर्स राइडिंग कैसा एक्सपीरियंस था और इज़ इट समथिंग जो आपने ड्रामा के लिए किया या पहले भी इट हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ सानिया सईद्स लाइफ नहीं uh, मैंने पूछा था सैफ से बहुत बार कि क्या मैं हॉर्स राइडिंग सीख लूँ बिकॉज अगर कितना घोड़ा दौड़ाना है मुझे आ, लेकिन उसने कहा कि नहीं हमें बिकॉज़ नाउ शी इज़ एन ओल्डर पर्सन शायद जवानी में दौड़ाती होगी घोड़ा लेकिन अब नहीं उसको ज़रूरत नहीं है तो वो uh, हमें नहीं करना तो uh, सीखना चाहो तो सीख लो लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है बट uh, बहुत कम्फर्टेबल था बिकॉज़ वो बहुत ही uh, ख्याल भी रखा गया इस बात का कि सेफ्टी का ख्याल रखा जाए uh, वो ख़ुद बहुत uh, प्यारे हैं जुल्फ़ी साहब जुल्फी नाम रखा मैंने उनका उनका कोई नाम ही नहीं था मैंने कहा ना ऐसे तो मैं घोड़ा नहीं भाई ऐसे घोड़े पे नहीं बैठती जिसका नाम ना तो मैंने उसका नाम जुल्फ़ी रखा बहुत प्यारे हैं ख़ुद उनसे काफ़ी मेरी दोस्ती रही और यकीनन वो एक अनकन्वेंशनल खातून हैं जरगुना लेकिन जब हम वहाँ शूट कर रहे थे तो मुझे दो एक लोगों ने बताया कि यहाँ करीब के गाँव में एक ऐसी खातून हैं वो खुद अपनी ज़मीनों की देख करती हैं घुड़सवारी करती हैं बंदूक भी चलाती हैं ट्राइबल इलाकों में आपको ये मिलती हैं। लेकिन हमने उनको सिर्फ एक तरह देखने की आदत डाल दी है कि वो एक खास तरह से चादर उड़ती होंगी वो कुछ नहीं बोलती होंगी उनकी कोई वॉइस नहीं होगी अपनी भूख प्यास आराम का तो ख्याल ही नहीं रखते गर्म शॉल रखी थी ना इनके बैग में पिंड में मगरब के बाद ठंड हो जाती है, है ना सकीना जरगुना से थोड़ा सा पीछे जाएं अगर हम तो हाजरा रकीब से मैं वो कैरेक्टर प्ले करके आपको कैसा लगा वो भी इतना ही अनकन्वेंशनल था इन द वे अ वुमन वुड रिएक्ट इन इस तरह की सिचुएशन में एक औरत जिस तरह रिएक्ट करेगी तो so, लोगों के लिए शुरू में डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था कि यार हाउ कैन शी बी ओके विद इट हाँ लाइक लाइफ हम कल्चरली हम वी आर नॉट ओके विथ एनी थिंग दैट इज़ नॉट समथिंग वी आर मिलियर विथ तो uh, यकीनन उनको बड़ा अजीब लगा ये कि उन्होंने क्यों इस तरह बिहेव किया क्यों ऐसे रिएक्ट किया और बट दैट्स हु शी वाज़ ये उसकी लाइफ चॉइस थी ये उस उसकी एक हिस्ट्री थी बाद में आपको पता चली गया कि क्यों uh, उसके अपने uh, उसकी शख्सियत से uh, उसकी, uh, ज, जिन वाकयात और हालात ने उसकी शख्सियत को तश्कील दिया था और जो वो आज है आम, उसमें उसके लिए बिल्कुल ही अजीब नहीं था चने की नहीं खा रहा से आज क्या मास्टर साहब जी मेरे आका मुइन भाई से बात हुई किस सिलसिले में आप पहले इस किताब पर से तो नजर हटाइए छोड़िए बात का जवाब दीजिए <laughs> महर पोश का एक कैरेक्टर था जो मुझे थोड़ा सा ये था कि यार और मुझे किसी ने कहा भी कि सानिया सईद ने यह कैरेक्टर क्यों किया क्योंकि वैसे तो हमारे टीवी पर ऐसी बहुत सारी माएँ हैं एंड यू नो बेटियाँ मामलात इन सारी चीज़ें बट शायद सानिया सईद को हम बहुत उस तरह के कैरेक्टर्स में देखने के आदी हैं सो so, उस कैरेक्टर का क्या जब वो ऑफ़र हुआ था जब आपने किया तो क्या आपके थे आ, वो जिस तरह लिखा गया वो इस तरह लिखा नहीं गया था किरदार Uh, ये हमारी स्क्रिप्ट uh, डिपार्टमेंट ने और हमारे डायरेक्टर साहब ने मिलके मजर मजहर मुइन ने इसको थोड़ा सा उल्टर किया uh, वो तो बहुत ही कन्वेंशनल ख़ातून लिखी गई थी हमें एल्डरली लोगों को एल्डरली कपल्स को कभी uh, मोहब्बत करते मोहब्बत से बात करते मोहब्बत के रवैयों uh, को बरतते देखने की आदत ही नहीं है क्योंकि हम अपने एल्डर्स को कभी uh, लड़ते झगड़ते तो देखते हैं प्यार मोहब्बत करते नहीं देखते विच इज़ सो सैड और मैं और uh, मज़हर अक्सर ये बात uh, करते हैं कि जिनका सबसे लिजिटमट रोमांस है जिनकी शादी को पच्चीस साल हो गए हैं जिन्होंने दो बच्चे uh, पैदा किए हैं पाले हैं uh, एक जिंदगी साथ गुजारी है, सबसे लिजिट रोमांस तो उनका है बट पीपल आर ऑकवर्ड विद देयर रोमांस बट दे आर ओके विद दीज यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स अनमेरिड

सो so, आपको लगता है कि स्कोप है स्मॉल स्क्रीन में जैसे हदीका ने अभी इस पॉइंट पर डेब्यू किया और अकीब से मैं जितना अनकन्वेंशनल और रिफ्रेशिंग आपको देखना था उतना ही अच्छा उस कैरेक्टर को देखकर लगा सो so, एक तरह से शी हैज़ रीडिफाइंड दैट थिंग वरना इस तरह के रोल्स लिखे नहीं जाते आई थिंक um, ये अभी कोई पंद्रह साल का है फिनना के द स्टोरीज अबाउट वेरी यंग पीपल अगर पुराना भी आप टेलीविजन का वक्त याद करें और बीट का भी याद करें तो हमेशा सेंट्रल कैरेक्टर्स बड़ी उम्र के ही लोग होते थे या मिडल uh, एज़ेस में कहीं लोग होते थे मुझे तो मिलते ही मिलते हैं बहुत दिलचस्प किरदार मुझे बहुत मज़ा भी आता है उन्हें करने में तो uh, मुझे लगता है स्कोप तो है कि व्हाट इंस्पायर्ड अस लुकिंग एट आर सीनियर एक्टर हमसे जो हमसे जो एक नसल पहले के एक्ट्रेस थे आई वॉज तपिश आई वॉज इन स्कूल दैन और सब मीना पैदा हुई थी जिसकी अब शादी हुई है माशाल्लाह तो रुबीना आप यूज टू रन होम हम सब लंच करते थे शी वुड रन होम गाड़ी में बैठ के एंड शी वुड फीड एंड कम बैक नई माओ की हम बात कर रहे हैं या अदाकारों की बात करें तो ऐसी काफ़ी एक्ट्रेस हैं जिनके साथ आपने काम किया है आप तो काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं बट अभी मैं करंट में नाम, नाम लूँ तो रकीब से मैं इकरा थी अभी हानिया है संगे माँ में आयजा थी महल पोष में तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके बहुत मज़ा आया मुझे बहुत मज़ा आता है इनके साथ इतने मस्त बच्चे हैं इतने अच्छे इतने प्यारे खुश मिजाज मेहनती शदीद मेहनती लड़कियाँ हैं ये आयजा और इकरा तो अभी नई माएँ हैं डेडिकेटेड माएँ शदीद अगेन उसमें दानिश का बहुत बड़ा हाथ है दानिश उसका साथ देता है उसको अप्रिशिएट करता है उसका इसी तरह यासिर उसे अप्रिशिएट करता है उसका साथ देता है इकरा का तो इट्स नॉट ईजी अकेले तो कोई भी नहीं कर सकता मुझे ज़्यादा मज़ा आता है यंग लोगों के साथ काम करने में दिस देर्जेटिक दे हैव न्यू आइडियाज़ देर ट्राइंग न्यू थिंग्स फॉलोइंग स्टैंडिंग अप अगेन गलतियाँ कर रहे होते हैं फिर ठीक कर रहे होते हैं फिर स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसके साथ मुझे बहुत मजा आता है तो जैसे जावयार भी था उसके लिए उसका सेकंड प्ले है और मुश्किल कैरेक्टर है फिर अब्बा के सामने भी कर। <laughs> मेहनत करता था इतनी मेहनत करता था मैं अपना सर खुद संभाल सकती हूं तुम्हारी खुशामद की कोई जरूरत नहीं खुशामद नहीं खिदमत कर रही हूँ मुझे तुम्हारी खिदमत की भी कोई ज़रूरत नहीं हानिया शुरू में अच्छा हमें बार बार कहा गया कि एक्सेंट कम रखें एक्सेंट कम रखें एक्सेंट कम रखें क्योंकि सब अलग अलग जगहों से अलग अलग एक्सेंट्स बन जाते हैं फिर वो अजीब एक मलबूज़ा सा बन जाता है एक्सेंट्स का तो जो हमारे पेशावर से एक्टर्स आए हमने मैंने तो उनसे बोल के कहा मैंने ठीक बोल रही हूँ कह रहे बिल्कुल ठीक बोल रही हैं मैंने कहा ठीक है फिर ठीक है तो सब ने थोड़े कम कम एक्सेंट्स रखे Uh, तो हानिया ने uh, बाकायदा प्रैक्टिस की वो जाके पहले संगे मरमर देखा एक रात बैठ के पूरा और सुबह आई आंखें सूजी मैंने कहा क्या, क्या कितने संगे मरमर देखा अब एकसंट, मेरा एक्सेंट मेरा एक्सेंट अब ठीक हो जाएगा देन शी वर्कड ऑन हर एक्सेंट शी मेन्टेन हर एक्सेंट इट इट इट्स नॉट ईजी